यूनिवर्सिटी में वीसी सचिवालय के सामने स्टूडेंट्स का धरना जारी है। भावा हॉस्टल के विद्यार्थियों ने असिस्टेंट वार्डन हरवंश गुदारा पर मारपीट का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि जब तक मारपीट करने वाले असिस्टेंट वार्डन को हटाया नहीं जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। हम बाबा छात्रावास के छात्रावासी हैं। 19 तारीख को हमारे ऊपर हमला किया गया था। वह हमला सुनियोजित योजना तहत किया गया था। उस योजना के निर्माता थे हमारे वार्डन, हॉस्टल के वार्डन, असिस्टेंट वार्डन हर्षवर्धन गोदारा। वह हमें को समय समय पर कुछ लोगों को चिन्हित करके टारगेट करते थे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम सब न कह सकते हैं, हमारी जबान कर सकती है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था हमारे साथ। और कुछ जो ये हमला हुआ है उसमें हमारे ऊपर हथियार थे, उन लोगों के पास डंडे थे, पत्थर थे, और हमारे गेटों को बजाया गया ताकि वो हम गेट खुल सके और हमारे साथ मारपीट किया जा सकते। हमारी एक ही मांग सबसे बड़ी है कि हर्षवर्धन गोदारा असिस्टेंट वार्डन को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से निष्कासित किया जाए होर्डर। और इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक असिस्टेंट वार्डन इतना हावी हो रखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन उसको हटा नहीं पा रहा है। और इस दंगाई आतंकवादी जिस तरह हरकतें करता है वार्डन उसको हटा